अगर तो बढ़िया बना दिया ना उससे बढ़िया तेरे को रेडी खोल दे दूंगा। धंधा बिजनेस तो यहाँ पे मेरे बड़ा पाव रेडी हो चुके हैं। निकाल दो निकाल दो निकाल दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम करते हैं। आज है संडे और मैं सोच रही हूँ ना कि आज मैं वड़ा पाव बनाती हूँ, क्योंकि मतलब हर जगह इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स सब में हर जगह वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी ट्राई करती हूँ और सबको खिलाती हूँ घर पे कि मैं कैसा बना पाती हूँ वड़ा पाव करके। तो अभी मैं ढड़ू को फोन करती हूँ, वो गए हुए जिम, सुबह सुबह जिम गए संडे के दिन भी। वो बोल रहे नहीं, अगर एक दिन भी मैं शाम को गया ना तो मेरी आदत खराब हो जाएगी, इसलिए गए हुए जिम। तो मैं उनको कॉल करती हूँ, बस आने वाले होंगे तो उनसे सामान मंगा लेती हूँ सारा, और थोड़े बहुत आलू है तो आलू मैं रख देती हूँ तब तक, और सामान लेके आएंगे तो फिर बनाऊंगी। हेलो हेलो, हाँ सामान लाना है क्या? पाव ले आना दो। किसके पाव? आपके पाव ले आना, और दो आपके हो गए तो अमित भैया के हो गए। अच्छा पाव लाने हैं, पाव पाव भाजी वड़ा पाव बनेगा आज। अच्छा वड़ा पाव, क्या बात है। तू बनाएगी? बने बनाए लाऊं मैं? बने बनाए कहाँ से लाओगे? बने बनाए मिल जाए दुकान से, उनको बोलूंगा वड़ा पाव दो। नहीं मैं बनाऊंगी। चल ठीक है खा लूंगा यार। सामान लाके दे, किलो बेसन लाना, किलो आलू ले आना। किलो बेसन, किलो आलू और वड़ा पाव, और थोड़ा सा जो मसाले की दुकान से जीरा और मेथी और। अबे मेरे को ये व्हाट्सएप पे लिख के दे, मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है, पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ चलो अब वर्कआउट हो गया विनेश, अब चलते हैं घर, ग्रह गृहस्थी में घुस जाते हैं। अब हम पाव मिलेंगे अठू ये है। तो चलो राशन भी दे लिया अपना, अब घर जाके खाते हैं वड़ा पाव। मम्मा भूख लग रही है, मुझे बना दो ना। क्या बना दूँ? छोले कुलचे। हाँ। मैं तो वड़ा पाव बना रही हूँ। वड़ा पाव? हाँ छोले कुलचे भी बना दो। वड़ा पाव नहीं खाना? वड़ा पाव भी खाने पर छोले कुलचे भी बना दो। अच्छा छोले कुलचे, पहले वड़ा पाव बनाती हूँ फिर छोले कुलचे, ठीक है? ठीक है जल्दी जल्दी से, मैं 5 मिनट में बनाती हूँ, तब तक तू एप्पल खा ले। ये एप्पल खा लो तब तक, ठीक है? तो बस चलो, अब मैंने फ्राफ से आलू रख दिए जो थोड़े बहुत थे, अब बिड़ू आते होंगे तो जल्दी से बनाती हूँ, सब भूख के मारे पागल हो गए। हाँ आ गए, चलो ठीक है। कब से वेट कर रही हूँ पता है मैं? कब से वेट कर रही हूँ, लाओ पहले देखूँ क्या क्या लिखा है। अगर कुछ भूले हो गए ना डड़ू तो देखना आपकी शामत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ चीज भूले ना हो। कहता है ना कि हर किसी को अपने जानवर का पता होता है। पकड़ोगे फिर मैं देखती हूँ। चलो तूने क्या बोला? एक शब्द तूने बोला कुछ, हर किसी को अपने जानवर का पता होता है। क्यों, कैसा सीधा होता है, कैसे टेढ़ा होता है, क्या भूलता है? मैं जानवर हूँ तेरा। कौन सा जानवर, नाम बता दे। शेर है ना? शेर बिल्कुल सही बोला बेटा, हमने शेर। शेर तू है? मैं हूँ शेर ना बेटा। अच्छा शेर की शादी गीदड़ से होती है? मजबूरी पहुंच जाती है। वाह ये रहे फ्रेश फ्रेश पाव, जिनसे आके भी चैन नहीं। कोई बात नहीं, फ्रेश फ्रेश पाव। अरे वाह, अरे यार गाड़ी सर्विस करवानी थी इसलिए फोन आ रहा है। रुक जाओ 2 मिनट, सामान देखने दो मुझे। जल्दी जल्दी कर, मेरे को जाना भी है फिर यार सच में। आलू किधर है? अब बोलो क्या आलू, हरी मिर्च किधर है? वो तूने बोला था, लिखा था उसमें। अभी दिखाती हूँ, अभी देख जल्दी काट सर, जो लिखा है वो आएगा, मैंने बोला था। मैं पागल हूँ ना, व्हाट्सएप किधर है? बेसन 2 किलो, आलू, धनिया, जीरा, धनिया, ये जीरा धनिया सब आ चुका है। आलू तो नहीं आया ना? आलू ले आता हूँ फिर, रो क्यों रही है? पता ना वड़ा पाव गर्ल, 4 से ज्यादा वड़ा पाव पैक नहीं होगा। तू और वड़ा पाव गर्ल, अरे वो जो चल रही है उससे बढ़िया बनाऊंगी देखना, चाटते रह जाओगे। अगर तो बढ़िया बना दिया ना उससे बढ़िया तेरे को रेडी खोल दे दूंगा। धंधा बिजनेस, बिजनेस पैसा ही पैसा होगा। और वैसे पैसे में पता लगा वड़ा पाव वालों की, खरीदने वालों की लाइन लग गई और हमारे आलू ही नहीं आए। नहीं ऐसा नहीं होगा, बोरियां आएंगी, मैं कभी अगर खुल गया तो बोरियां गाड़ी सर्विस कराने जाना है। तेरे आलू ला के दे रहा हूँ, 50 रुपए का एक बड़ा पाव देती है, ऊपर से लाइन इतनी बड़ी बड़ी, तो 50 रुपए में देखो
सारा सामान आ गया। एक वड़ा पाव 10 रुपए का मिलता है मुंबई में, मैंने खाया था। अरे वहाँ दिल्ली में सारी न्यूज देख रहे हैं इधर उधर वीडियो, 50 रुपए का एक वड़ा पाव और लाइन इतनी लंबी, अगर जिसकी बारी नहीं आई ना खत्म फिर वड़ा पाव। फिर पैक भी नहीं होता, पैक भी नहीं करती है, बोलते कि 4 से अब 2 से ज्यादा पैक नहीं होगा, 1 से ज्यादा पैक नहीं होगा, यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करा लिफाफा देती है, लोग खुद पैक करो। वीडियो देख रहे ना, क्या होगा मेरे को कुछ बोलेगी तो नहीं? हाँ तेरे को पर्सनली मैसेज करेगी, तेरे घर पे आके तेरे को बोलेगी तूने मेरे बारे इतना कुछ बोला है ना, वो करती है सच है, सच है, सच है। तो अभी ना इनको बहुत ज्यादा भूख लगी है, बोले तेरे वड़ा पाव का मैं वेट नहीं करूंगा, मुझे ब्राउन राइस खाना है, अभी जिम से आए ना, बोलते बोल रहे हेल्दी डाइट चाहिए मुझे, तो अभी फटाफट से मैं इधर उधर नहीं इनको बुलाती हूँ, फटाफट से आओ ले जाओ डाडू, अपना सामान ले जाओ जल्दी आओ, तैयार हो गया है। क्या तैयार हुआ तो तैयार हो गया, तू ऐसे बोल रही जैसे पता नहीं सब्जी बना दिया हो। क्या बनाने गया है? ब्रेड फ्रिज में पड़ा हुआ है, पीनट बटर फ्रिज में पड़ा हुआ है, दूध हो गया है, लो ले जाओ। मिनट मिनट बाद डरू 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 करती रहती, क्या है कभी सुनाता हूँ आज क्या बता रहा, क्या दिखा रही? अच्छा मैं तो भूल गया, वड़ा पाव बना रही हूँ आज। आलू हमारे उबल गए हैं, इनको फटाफट से मैं ठंडा करके छील लेती हूँ। डालूंगी सरसों, अगर आपको ना इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगी। और सबसे पहले इसमें डालेंगे राई, तेल हमारा गर्म हो गया है, धनिया काटा था मैं, धनिया भी डाल दूंगी। तो आलू वाला मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। अब हम बनाएंगे आप इसमें बेसन का बैटर, आलू की टिक्कियां, फिर ये जाएगी बेसन में और फिर होगी फ्राई। ध्यान पे वो नहीं किया ना, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। थोड़ा नहीं खाना इसको, घर ही गई थी मैं एकदम से, उछलने लग गया थे कि मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मिर्च में चीरे लगा के डालना होता है, शायद मैंने साबुत ही डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे वड़ा पाव रेडी हो चुके हैं, अब बारी है इन सबको टेस्ट करवाने की। तो सारा सामान भी मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। अब मैं बुला पी जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अभी बहुत भीड़ थी, अभी खत्म है, दोबारे माल आया है। माल आया है, बैठो ना, मेरे सर पे बैठोगे? कस्टमर भगवान होता है और मैं तो हूँ तेरा पति परमेश्वर। ऐसे ही नहीं खाना है ये, ठीक है? दिल्ली वाली क्यों बन रही है? हमारे कैमरामैन को भी देना। हाँ हाँ पहले आप चुको कैमरामैन को। ये रही ग्रीन चटनी, स्पेशल घर पे बनाई है, सारा जादू इसी में कर रही है। ज्यादा डाल के टेस्ट खराब करने, फिर बोलोगे वड़ा पाव वाली दीदी अच्छा वड़ा पाव नहीं बनाती, वड़ा पाव वाली बीवी बस सेका नहीं है पाव। ट्रेनर साहब अपन बस टेस्ट कर रहे हैं, और कि मतलब ऐसा होता है ना, क्या होता है यार, मुझे करना पड़ता है, करना पड़ता है, बनाया हो मैंने नहीं करना पड़ता। हाँ। तो जल्दी बीवी एक साइंटिस्ट होती है, वो पहले ना कहते हैं ना कि जानवरों पे ट्राई करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट। हाँ ये हमारे घर के जानवर है। दिल से बुरा लगता है भाई, एक खा के चार और मांगेंगे देखो। ओह माय गॉड, गरम है इतना। हाँ भाई कैसी लगी?
आगे स्वाद आराम से, आराम से आप बनाएंगे मेरी बेटी के लिए चटनी मेरी जा रहा चटनी इसका देश सारा चटनी का मारा अच्छे बनाए तो मानना पड़ेगा बॉस इसको ना रेडी खोल के सच में दे देनी चाहिए खा लोगी अरे सही में मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा वड़ा पाव बना लेती हूँ खुद से तारीफ नहीं करते हैं दूसरों को पैसे देते हैं उनको बोलते हैं तारीफ करो ना बच्चा मिर्च मत खावा वो मिर्च लगेगी मत खाओ चलो छोड़ो तो इस रेसिपी मैं दे दूंगी आपको आप लोग भी ट्राई करना बड़ा मजा आता है सच्ची में बड़ा अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है मतलब रेडी खोल सकती हूँ पैसे में तारीफ करी मैंने मत करो रहने दो नहीं वैसे सच में अच्छा बनाया इसने और इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि इसको रेडी खोल के देनी पड़ेगी सच में मम्मी खोल दे चाची से बातें हो रही है जो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहे उनको देख के इतना हंस रही है और आप पूरे 9 महीने मेरे साथ मेरे मुखड़े के सामने रहे आपको देख के डरती है इसलिए अच्छा मैं करती थी आप करते थे देखो ये देखो कैसे हंस रही है ज्यादा देर नहीं बिठा रहा है पीछे कर पीछे को ये वाला पैर पीछे ऐसे ये तो इतने वो है ना क्या बोलते हैं उसको क्या है वो छोटी बच्ची है बैठ पा रही है गर्दन ऐसी हो रही है उसकी स्पाइन में दर्द नहीं होगा हाँ जी हाँ हाँ जाके दिखाओ मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ से भूत आ गया बोल रही होती तू पहले पीछे कमेंट्री मत कर दो मैं चुप रहा अरे मेरा बच्चा देख आज की देखा देखा आज ही ना वो गलती से हो गया उसके बाबू वो पापा पापा ऐसे कैसे बोल दो पापा और अब पता क्या है हर्षी अब चौथे महीना मतलब स्टार्ट हो गया ना हर्षी को अब इसने पलटना भी शुरू कर दिया है पहली बार पलटी है ये आपने देखा था पलटी नहीं हल्की सी करवट लिया हाँ करवट ले रही है मतलब पूरी नहीं पलटी है तो एक इधर भी करवट ले लेती है उधर भी करवट ले लेती है तो बस अब ज्यादा टाइम थोड़ी है पलटने के लिए चलो आप सामान रखो मैं हर्षी को पकड़ती हूँ ठीक है पहले सामान आपके पास है तो पहले सामान मैं रखूँ तो अभी हम जा रहे हैं मेरा सूट सिलवाने के देने के लिए और हर्षी के लिए कपड़े लेने के लिए और घर का थोड़ा बड़ा सामान लेने के लिए वाह चश्मा लगाओ अभी इसके डैडी गए हैं मेडिकल में इसका सामान लेने के लिए हर्षी का दूध तेल मालिश वाला और भी ड्रॉप वगैरह ऐसे कुछ सामान लेने के लिए गए हैं और यहाँ पे देखो गाड़ी में ना जब गाड़ी चलती है तो सोई रहती है ये देखो जब गाड़ी रुक जाती है कैसे चलती है और पीछे जिया सो गई है अरे वाह हर घर ब्लॉगर चल सामान पकड़ तरक्की करेगा देश आ गए डैडी आ गए हर्षी का सामान ला गए डैडी मेरा दूध लेके आए मेरी दवाई लेके आए और मालिश मालिश वाला तेल लेके आए बोलो सब लेके सब ले आए यार चलो। तो हमें कहीं भी जाना होता है हर्षी का पूरा लगेज है पूरा तैयार करके ऐसे लेके जाना पड़ता है यही है ना क्या क्या ये लिपस्टिक है बेटा ये मेरे लिए देख रही है अच्छा चल पहले हर्षी के लिए कपड़े देख लेते हैं ठीक है तो हम सोच रहे थे जूरियो में हमें कुछ मिल जाएगा हर्षी के लिए भी तो नहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है ना और आर्टिकल भी बहुत कम है ये थोड़े से अभी थोड़ी ठंडी है तो हर्षी के लिए अभी थोड़ी ठंडी है उसके लिए फुल स्लीव्स का लेना है हाफ नहीं लेना है सोई है नहीं तो गाइस यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे और क्या नाम है आपका अच्छा और ये मुझे कह रहे हैं कि प्रैंक ज्यादा मत किया करो ज्यादा सताया मत करो अब इनको कैसे बताऊं कंटेंट तो निकालना है कंटेंट तो निकालना है मैंने अब मैं किसको सताऊं फिर बताओ यही तो है मेरे पास हां वो तो है जिम वाले अभी तो फ्रेंड्स है ना इनको मत बताओ अब जिम के नाम पे बहुत प्रैंक करते हैं हां सोचेंगे चलो चलो अभी जिया ना राइड के लिए कह रही थी और इसको ये रोबोट वाली राइड करवा रहे हैं